एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, बाहर हो रही है बारिश और मैंने बस ये वाली ड्राइंग अभी ख़त्म की है। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में मैं एक चीज़ की रिव्यू देने वाली हूँ, वो है ये अप्सरा के जो मैट मैजिक इरेजर्स है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें लिखा है कि फॉर नीट एंड डस्ट फ्री इरेजिंग, ये क्लेम करती है कि ये डस्ट फ्री इरेजिंग करेगा। तो चलो देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका प्राइस जो है 3 रुपीज़। ये छोटी वाली है, देखो ये दिखने में कुछ ऐसा है। इसको भी मैं खोल लेती हूँ। और इसके जो लॉन्ग रन वाले मिलते हैं वो आई थिंक 5 रुपीज़ की है, लेकिन मुझे बस यही मिले है। और ये वाली इरेजर दोस्तों आप कोई भी लोकल स्टोर से ले सकते हो, और ये खुल नहीं रहा, और ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। वैसे तो 3 रुपीज़ की इरेजर है, तो हमको पहले पहले लगेगा कि ये काम करेगा या नहीं, तो वो ही आज हम देखेंगे। अरे यार खुल जाओ, खुल नहीं रहा, चलो छोड़ो। हाँ ये खुल गया, देखो। आई हैव दिस टू, ये मैंने थोड़ी सी यूज़ कर ली है और ये नए हैं। और ये जो बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, थोड़ी सी भी हर्ड नहीं है, सॉफ्ट है। देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर लूँ, ये 3 रुपीज़ वाले जो अप्सरा के मैट मैजिक इरेजर है, इसको आप जो प्रोफेशनल्स है, जो मैकेनिकल इरेजर्स वगैरह होते हैं, उसके साथ कंपेयर ही मत करना। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप ये वाली चीज़ 3 रुपीज़ में ले रहे हो और वो 250, 300, 400, 500 में आते हैं, तो उसको इसके साथ कंपेयर करना सही बात नहीं होगा। पर हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं। एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है और इसमें ग्रेफाइट 10B, ग्रेफाइट 8B, हार्ड चाकुल, सॉफ्ट चाकुल, सारे जो है पेंसिल्स मैंने स्वैच कर लिए हैं। देख सकते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और यहाँ पे कलर पेंसिल्स के स्वैचेस है, अप्सरा प्रीमियम कलर पेंसिल, ये जो आते हैं अप्सरा के प्रीमियम, उस सेट से ही मैंने एक कलर चूज़ की थी। और ये है स्टेडलर लूना, ग्रीन है। तो दीज आर 3 लेयर्स, 2 लेयर्स एंड 1 लेयर ऑफ कलर। ये सारे हम देखेंगे कि इरेज होता है या नहीं। और एक बात बता दूं कि ग्रेफाइट पेंसिल तो आसानी से ही इरेज हो जाते हैं, लेकिन जो चाकोल है उसके बाद कुछ अलग है। और ये कलर पेंसिल्स के जो दाग है वो भी आसानी से हटती नहीं। तो ये वाली ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं जो ग्रेफाइट 10 में है उसको इरेज करूँगी। देखो बिल्कुल अच्छे से इरेज हो गया। और जो ये क्लेम करता है कि ये डस्ट फ्री इरेजिंग देगी, तो देखो जो इसका जो रस्ट है ये मैंने निकाल लिए है। यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं है, अच्छे से जस्ट क्लीन कर देता है। आप देखो 10B है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाली थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेन वगैरह है। और ये है 8B, देखो ये डस्ट फ्री है। एक चीज़ मैं कह दूँ कि ये डस्ट फ्री है बिल्कुल। और यहाँ पे है जो हॉट चाकोल, ये मैं क्लीन करके देखूँगी। अरे वाह, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही ये इरेज कर देता है। और यहाँ पे जो है सॉफ्ट चाकोल, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छे से, थोड़ी सी प्रेशर देना पड़ा, लेकिन देखो डस्ट फ्री है। जो भी सारे ये इरेज कर रहे हैं पूरी की पूरी डस्ट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है कलर पेंसिल्स, अरे वाह, देखा आपने। और ये जो सॉफ्ट चाकुल है इसको मैं पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर हो नहीं रहा है, थोड़ी सी प्रेशर देना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छे से ही क्लीन कर देता है। और यहाँ पे मैं जो कलर पेंसिल्स है इसको भी इसने इरेज कर दिया। अब स्टेडलर लूना के देख लूँ। स्टेडलर लूना की जो बात है वो है जो 3 लेयर वाले मैंने यहाँ पे, देखो ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हुआ। अब ये देखती हूँ जो 2 लेयर्स है, ये काफ़ी हद तक तो उठ ही गया।
तो जो बात इसकी मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये चारकोल को काफ़ी हद तक इरेज कर देता है और बाकी तो एवरेज है। अप्सरा के जो प्रीमियम कलर्स है इसको भी इसने इरेज कर दिया। तो गाइस 3 रुपीज़ में इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये ज़रूर खरीद सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट और शेयर्स करते रहना। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सारे अच्छे रहना, अपना ख्याल रखना। गुड बाय।